सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, टू नंबर। अच्छा इसे मैं चाहूं तो यहीं पे वन बटा में एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस थ्री लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दो तीन का स्क्वायर है ना जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जा रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे भी लिख सकते हैं वन बटा में एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस थ्री। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में बनाना तो पहले नीचे इस तरह से फॉर्म होना चाहिए ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलिए लेट वन बटा में एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस थ्री बराबर में ए बटा में एक्स माइनस थ्री प्लस में बी बटा में एक्स प्लस थ्री। ठीक है, चलिए उधर एलसीएम लेंगे, यहाँ है वन बटा में एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस थ्री बराबर, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री ए इंटू में एक्स प्लस थ्री और प्लस बी इंटू में एक्स माइनस थ्री। चलिए ये और ये कट जाएगा, डायरेक्ट ही निकाल देते हैं एक्स और वाई का मान, यहाँ ए और बी का मान। यदि एक्स बराबर में थ्री, तो एक्स बराबर थ्री रखेंगे तो देखो ना यहाँ ये जीरो हो जाएगा, यहाँ थ्री रखेंगे तो यहाँ पे थ्री थ्री सिक्स सिक्स, ए बराबर वन यानी कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन बाई सिक्स। यदि एक्स बराबर में माइनस का थ्री करते हैं तो माइनस थ्री रखने से ये जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री रखने से माइनस का सिक्स बी बराबर में वन यानी कि बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस का वन बाई सिक्स। ए और बी आपका निकल गया, अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ किसको इंटीग्रेट करेंगे पता है ना आपका, ये वाले स्टेप को, पहले वाले स्टेप को, वन बटा में एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स प्लस थ्री डी एक्स बराबर में ए बटा में एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ बी बटा में एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ए और बी क्या वैल्यू रखते हैं, तो ए का वैल्यू है वन बाई सिक्स, तो वन बाई सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और बी का वैल्यू है आपका माइनस वन बाई सिक्स बाहर निकाल लेते हैं, और बी का वैल्यू यहाँ पे वन बटा में एक्स प्लस थ्री डी एक्स। चलिए यहाँ पे देखो ना, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, लॉग वन बाई सिक्स ऐसे रहेगा, लॉग एक्स माइनस थ्री और माइनस वन बाई सिक्स लॉग एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और प्लस में सी, तो ये माइनस में है तो पहले वन बाई सिक्स कॉमन कर लोगे तो माइनस में रहेगा तो भाग में ना चला जाएगा, लॉग एक्स माइनस थ्री और बटा में एक्स प्लस थ्री। तो मैंने माइनस कॉमन वन बाई सिक्स कॉमन कर लिया और उसके बाद माइनस में है तो मैंने भाग में भेज दिया और प्लस में सी, इसका आंसर आ गया। देखो हम लोग इसको उस वाले फॉर्मूले पे भी बना सकते थे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला ही होता है वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए, ये रूल था ना जी, हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इससे भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, एक लाइन में ही बन जाता, लेकिन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना था इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया है। चलिए